हेलो गाइस, हम आज देखेंगे कि एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम कैसे होता है। ये जो एरियल मॉडिफिकेशन होता है इसके सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों एरियल मॉडिफिकेशन स्टीम में आते हैं। इन टोटल जो मॉडिफिकेशन होते हैं स्टीम में, ये तीन टाइप के होते हैं। पहला मॉडिफिकेशन जो होता है वो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होता है स्टीम का, उसके बाद सब एरियल होता है, और तीसरा होता है एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। ठीक है, तो जो सॉइल होता है तो उससे बहुत दूर रहता है मॉडिफिकेशन, ठीक है, सॉइल के ऊपर रहता है, तो इसे उसे एरियल कहा जाता है। तो बहुत से एरियल मॉडिफिकेशंस है जो हम यहाँ पे डिस्कस करना है यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एरियल मॉडिफिकेशन हम स्टडी करेंगे स्टीम का एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है, स्टीम का एरियल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले टेंड्रिल्स, ठीक है, टेंड्रिल्स। तो ये टेंड्रिल्स होता क्या है, ये जो आप देख रहे हो इस डायग्राम में, ये टर्मिनल जो पार्ट दिख रहा है ये, ठीक है, ये टेंड्रिल्स है, टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये टेंड्रिकल्स हैं। और ये जो है जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में इसका यूज़ होता है टेंड्रिल्स का, जो वीक स्टीम के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए कुछ एक फर्म चीज़ चाहिए होती है, तो वो इस टेंड्रिकल से उसे पकड़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके। स्टीम और इट्स ब्रांचेस गेट मॉडिफाइड इनटू ग्रीन थ्रेड लाइक लीफ लेस स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल्स, ठीक है। तो स्टीम और इट्स ब्रांचेस गेट मॉडिफाइड इनटू ग्रीन थ्रेड लाइक लीफलेस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो टेंड्रिल्स होते हैं तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रीन होते हैं, ठीक है, और वो मॉडिफिकेशन होता है स्टीम का मॉडिफिकेशन होता है वो, विच आर मेंट फॉर क्लाइंबिंग। तो उसका मेन फंक्शन ये क्लाइंबिंग होता है, ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ के उस पर चढ़ने का वो उसका काम होता है। इट मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड हो सकते हैं या फिर अनब्रांच्ड हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये एक टेंड्रिल है तो ये हो सकता है कि ये एक ही रहे, या फिर इसको ब्रांच निकल आए यहाँ पे ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि अ स्केल लीव इज ऑलवेज प्रेजेंट एट अ पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग ऑफ द टेंड्रिल्स, अ स्केल लीव इज ऑलवेज प्रेजेंट एट इट पॉइंट ऑफ द ब्रांचिंग ऑफ द टेंड्रिल्स। स्केली लीव्स प्रेजेंट होते हैं एट द टिप ऑफ द ब्रांचिंग ऑफ टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स के जो ब्रांचेस होते हैं तो उस पे स्केल के लीव्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्टीम टेंड्रिल्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो मेनली फोर टाइप्स हैं स्टीम टेंड्रिल्स के। पहला है एक्सिलरी, ठीक है। एक्सिलरी अगर ये स्टीम है, ये ब्रांच है अगर,
और ये ब्रांच है, तो स्टीम और ब्रांच के बीच में जो एक्सिलरी पार्ट होता है, ठीक है, तो वहाँ से टेंड्रिन निकलेगा बाहर, ठीक है, स्टीम और ब्रांच के बीच में से एक्सिलरी पार्ट जो होता है, तो वहाँ से अगर टेंड्रिन निकला तो उससे कहेंगे एक्सिलरी टेंड्रिन, और उसका एग्जांपल है पैसिफ्लोरा। सेकेंड नंबर का है एक्स्ट्रा एक्सिलरी टेंड्रिल्स, तो एक्सिलरी पार्ट के जो ये जो एक्सिलरी पार्ट है ये छोड़ के अगर दूसरे पार्ट से अगर टेंड्रिन निकला तो उसे एक्स्ट्रा एक्सिलरी टेंड्रिन कहते हैं, उसका एग्जांपल है क्यूकरबिटा और लुफा, ठीक है। थर्ड वन है लीफ अपोजिट और एपिकल बर्ड टेंड्रिल्स, अगर अगर प्लांट अगर ब्रांच के लीव्स अगर एक में एक के अपोजिट से, ब्रांच के लीव्स अगर अपोजिट हैं और टेंड्रिल्स जो टेंड्रिल्स है वो टर्मिनल पे आ रहे हैं, ठीक है, एपिक पे ऐसे अगर टर्मिनल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इसे कहेंगे लीफ अपोज्ड और एपिकल बर्ड टेंड्रिल्स, एपिकल बर्ड टेंड्रिल्स। उसके एग्जांपल है ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन। फोर्थ वन है फ्लोरल बर्ड और इन्फ्लोरेंस टेंड्रिल्स, फ्लोरल बर्ड यानी अगर ये ब्रांच है, ये स्टीम है और ये ब्रांच है, तो अगर ब्रांच के ऊपर अगर यहाँ पे अगर फ्लोरल बर्ड अगर आता है, ठीक है, कोई फ्लोरल बर्ड अगर आता है तो फ्लोरल बर्ड जो होता है, तो फ्लोरल बर्ड के बीच में से टेंड्रिकल बाहर निकलता है, ठीक है। उसके एग्जांपल्स हैं एंटीगोनम और कार्डियोस्पर्मम, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है स्टीम टेंड्रिल्स का, एक्सिलरी टेंड्रिल्स, एक्स्ट्रा एक्सिलरी टेंड्रिल्स, लीफ अपोज और एपिकल बर्ड टेंड्रिल्स, और लास्ट है फ्लोरल बर्ड और इनफ्लोरेंस टेंड्रिल्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड सेकेंड नंबर का थ्रोन कौन सा है, सॉरी सेकेंड नंबर का मॉडिफिकेशन स्टीम का एरियल मॉडिफिकेशन कौन सा है, तो वो है थ्रोन्स। तो थ्रोन्स यानी जो कांटे होते हैं उसे थ्रोन्स कहते हैं, और उसके अब 5 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, दीज आर स्ट्रेट पॉइंटेड हार्ड और वुडी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है तो ये हार्ड है, सबसे पहली बात वुडी है, हार्ड है वुडी है, ठीक है, पॉइंटेड है, पॉइंटेड है, ठीक है, यहाँ पे उसके पॉइंट है, और स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट है। तो थ्रॉन के फीचर्स स्ट्रेट पॉइंटेड हार्ड वुडी स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट, समथिंग समटाइम्स इट बियर्स लीव्स फ्लावर्स एंड इवन मे बी ब्रांच्ड, तो कभी कभी ये होता है कि ये जो थ्रॉन्स होते हैं इसके नीचे, कभी कभी इसके नीचे लीव्स हो सकते हैं, ऐसे लीव्स हो सकते हैं, या फिर फ्लावर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये जो थ्रोन है उसके उसके बिल्कुल नीचे से ब्रांच निकल सकती है, ठीक है, ऐसे ब्रांच निकल सकती है। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो लीव्स निकल सकता है, दूसरा फ्लावर निकल सकता है, या फिर ब्रांच निकल सकती है, ठीक है, ठीक है। अगर ये अगर ये स्टीम है प्लांट का और ये ब्रांच जा रही है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थ्रोन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, थ्रोन है, अगर यहाँ पे थ्रोन है तो उसके बाजू से, ठीक है, उसके बाजू से क्या जाएंगी, उसके नीचे क्या रहेंगी, एक तो ब्रांच रह सकता है, फ्लावर रह सकता है, या फिर लीव रह सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि द इन साइट्रस ड्यूरेंटा एंड एंजियल थ्रॉन्स आर मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड्स, थ्रॉन्स आर मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड्स, जो एक्सिलरी बर्ड होता है एक्चुअली, ठीक है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, और इसके बीच में से जो निकलेगा बर्ड उसे एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। तो एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड होके
और थ्रोन बन गया, ठीक है, साइट्रस में। साइट्रस यानी जो नींबू होते हैं, ये जो है नींबू के क्लासिफिकेशन में जो साइट्रस है, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं तो वो साइट्रस में आते हैं। और उसके बाद इन कैरेस का टर्मिनल बर्ड्स गेट मॉडिफाइड इनटू थ्रॉन्स, जो टर्मिनल बर्ड्स होते हैं, अगर ये स्टीम है और ये ब्रांच है और यहाँ पे अगर बर्ड निकल रहा है ब्रांच के ऊपर, तो ये जो टर्मिनल बर्ड है तो ये मॉडिफाइड होके क्या हो जाएगा, थ्रॉन बन जाएगा, काटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है साइट्रस और कैरिकस कैरिस्सा में, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है डिफरेंस, डिफरेंस वन और ये डिफरेंस टू। उसके बाद थॉर्न्स आर यूज्ड एज ऑर्गन ऑफ डिफेंस और क्लाइंबिंग, डिफेंस डिफेंस एज ए डिफेंस यूज़ होता है क्योंकि जो भी एनिमल्स होते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स जो इस झाड़ को खा सकते हैं, फूड एज ए फूड वो कंज्यूम कर सकते हैं, तो ये कांटे की वजह से वो खा नहीं पाते, तो डिफेंस यू इसका फंक्शन हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद उसका एग्जांपल है बोगेन वैली, बोगेन वेला, बोगेन वेला। तो ये एग्जांपल्स याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, ये बोगेन वेला एग्जांपल्स जिसके थ्रोन्स ये डिफेंसिव काम करते हैं। और साइट्रस में क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड होके थ्रोन बन जाता है, और कैरिस्सा में जो टर्मिनल जो मॉडिफाइड टर्मिनल बर्ड होता है वो मॉडिफाइड होके थ्रॉन हो जाता है। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। स्पेशलाइजेशन उसमें कौन कौन से स्पेशल डिफरेंस है तो वो याद रखना वहाँ पे, ठीक है। तो ये नींबू है एक्चुअली, ये साइट्रस है, तो बिल्कुल उसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे नींबू के पहले यहाँ पे फूल था, फ्लावर था, ठीक है, यहाँ पे फ्लावर था, तो उसके बिल्कुल नीचे क्या है, थॉर्न है, काटा है, तो उसके ऊपर फ्लावर भी हो सकता था, उसके ऊपर लीफ भी हो सकता था या फिर ब्रांच भी हो सकती थी, यहाँ पे जैसे बताया है, ठीक है। आगे बात ध्यान में, तो आगे का देखेंगे अभी यहाँ पे। तीसरा है फेलो फेलो क्लैड्स, तो फेलो क्लैड्स कंसेप्ट क्या है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो आप देख रहे हैं ये है कैक्टस एक्चुअली, ठीक है, ये कैक्टस है, ये स्पाइन्स है उसके ऊपर, ठीक है, ये स्पाइन्स है, ये ऑस्टिया ऑस्टिया लाइक स्ट्रक्चर्स है। और ये आप जो देख रहे हैं आप कहेंगे कि ये लीफ होगा, ये क्या होगा, लीफ होगा, पर एक्चुअली ये लीफ नहीं है, ये स्टीम है, ठीक है, मॉडिफाइड स्टीम है, ये मॉडिफाइड स्टीम ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका है, और ये जो है फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसने खुद को मॉडिफाइड करके अपने जो फंक्शन है ये चेंज कर लिए, ठीक है। तो पॉइंट फर्स्ट, दीज आर फ्लैशी ग्रीन फ्लैटन और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, दीज आर फ्लैशी, ठीक है, फ्लैशी है, बहुत सारे इसमें वाटर है, ठीक है, बड़े सेल्स है, ठीक है, फ्लैशी है, तो ग्रीन है। उसके बाद ग्रीन, ठीक है, ये अपेरेंस में ग्रीन है, उसका मीनिंग कि फोटोसिंथेसिस में होती है बाय मीन ऑफ क्लोरोफिल। फ्लैटन है, ठीक है, ये दोनों तरफ से फ्लैटन स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, तो इसकी जो ग्रोथ होंगी वो अनलिमिटेड होंगी, इसके ब्रांच हो सकता है कि यहाँ पे बर्ड निकल के यहाँ पे ब्रांच निकले, फिर उस बर्ड पे और ब्रांच निकल जाए, तो उसकी ग्रोथ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है एक्चुअली, ठीक है, तो ये अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकती है इसमें। सेकेंड पॉइंट, द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, ठीक है, जो ये स्टीम है एक्चुअली, ये स्टीम है, तो ये इसके ऊपर ये जो दिख रहा है आपको ये ऑस्टिया टाइप, ये एक्चुअली बर्ड्स है, ठीक है, ये बर्ड्स है, तो बर्ड में से क्या निकलता है, लीव्स निकलते हैं और ब्रांचेस निकलते हैं, तो ये जो लीव्स है एक्चुअली, तो ये लीव्स कन्वर्ट हो चुके हैं स्पाइंस में फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज़, फॉर द प्रोटेक्शन
ये कन्वर्ट हो चुके हैं स्पाइंस में, लीव्स गेट कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस, मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, ठीक है। और अ स्केल टू चेक ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की जो रेट है लॉस ऑफ वाटर, तो ये बहुत कम हो जाएंगी यहाँ पे, बहुत कम हो जाएंगी क्योंकि सरफेस एरिया यहाँ पे कम है, लीव्स है ही नहीं, ठीक है, लीव्स है नहीं, लीव्स पूरा रिमूव हो गए हैं और स्टीम ही लीव्स का यहाँ पे काम चालू कर दे, इसलिए ट्रांसपिरेशन बिल्कुल ज़ीरो रह जाएगा यहाँ पे या फिर बहुत कम रहेगा, ठीक है। इसलिए कैक्टस जो डेजर्ट है वहाँ पे सर्वाइव आराम से कर पाते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे दे टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज वाटर, ठीक है, इसमें वाटर होता है इसलिए वो फ्लैशी होता है, और फोटोसिंथेसिस ड्यू टू ग्रीन पिगमेंट दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। द फोर्थ पॉइंट, दीज आर सीन इन रेजोफाइटिक प्लांट्स, रेजोफाइटिक प्लांट्स यानी वो प्लांट्स जो डेजर्ट में रह पाते हैं और वो खुद को अडेप्ट कर पाते हैं, तो उसे उन्हें कहते हैं रेजोफाइटिक प्लांट्स, लाइक ओपनशिया, यूफोर्बिया, कैसियोरिना, कोकोलोबा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इतने सारे याद रखने से आप, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है, ये दोनों अगर याद रखें एट द प्राइमरी लेवल की, फिर तो भी बहुत होगा, ओपनशिया और यूफोबिया, ठीक है। तो ये तीसरा मॉडिफिकेशन था जो हमने देखा फेलो क्लैट्स, और फोर्थ मॉडिफिकेशन की तरफ हम जाएंगे क्लैडो, क्लैडोर्स और क्लैडोफाइल्स। तो क्लैडोफाइल्स और क्लैडोड क्या है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे एस्पेरागस का ये प्लांट है एक्चुअली, ये जो एस्पेरागस का प्लांट है पूरा, ठीक है, ये पूरा एस्पेरागस का प्लांट है और ये इसके ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये उसके ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये ब्रांचेस हैं। तो जो ये आपको दिख रहा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, आप कहेंगे कि ये लीफ है, ग्रीन है, लीफ जैसे दिखते हैं ग्रीन है, पर रुकिए, ये मॉडिफाइड स्टीम है एक्चुअली, है इस झाड़ के मॉडिफाइड स्टीम है, ये फ्लैटन हो चुके हैं और सरफेस एरिया उनका कम हो गया है और फोटोसिंथेसिस वो स्टीम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अलग यहाँ पे मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिला, स्टीम गेट कन्वर्टेड इनटू लीव्स, ठीक है, फॉर द फोटोसिंथेसिस पर्पस। तो पहला पॉइंट देखेंगे, दीज आर ग्रीन सिलेंड्रिकल एंड फ्लैटन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ग्रीन है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, फ्लैटन है और बिल्कुल लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स है, बिल्कुल लीफ जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, बिल्कुल लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल लीफ जैसे स्ट्रक्चर, कोई नहीं कहेगा कि ये स्टीम से मॉडिफाइड हुए हैं, बिल्कुल लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स है ये, ठीक है। और लिमिटेड ग्रोथ है, जैसे फेलोक्लैड्स में अनलिमिटेड ग्रोथ था, वैसे यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं है, द ग्रोथ इज़ लिमिटेड, ओके, ठीक है, तो डिफरेंस याद रखिए उसका। तो थर्ड पॉइंट है एस्पेरेगस, तो ये झाड़ एस्पेरेगस का है, द क्लैडोड आर ऑन इंटरनोड लॉन्ग, ठीक है, वन इंटरनोड लॉन्ग, ठीक है, जो क्लैडोस होते हैं ये एक क्लैडोड, ठीक है, ये एक क्लैडोड और ये एक क्लैडोड, इसके बीच में नोट नहीं है, ठीक है, इसके बीच में कोई भी नोट नहीं है, ये पूरा जो पार्ट है ये इंटरनोड है एक्चुअली, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि इन एस्परेगस द क्लैडोड्स आर वन इंटरनोड लॉन्ग, ठीक है, एक ही इंटरनोड का डिस्टेंस उनमें रहता है, इंटरनोड के बीच में नोड्स नहीं रहते, ठीक है, सब सारे नोड्स पे क्या आए हुए होते हैं, क्लैडोड्स आए हुए होते हैं, ठीक है। तो वन इंटरनोड लॉन्ग डिस्टेंस इन बिटवीन दी टू क्लैडोड्स, आगे बात में। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ वन, रास्कस, इन द रास्कस द क्लैडोड्स आर टू इंटरनोड लॉन्ग, ठीक है, अगर ये एक क्लैडोड है, एक क्लैडोड, ठीक है, एक क्लैडोड, तो एस्पर्गस में क्या आता कि भाई एक ही इंटरनोड है, एक ही इंटरनोड यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ से ही दूसरा क्लैडोड स्टार्ट होगा, ये एक ही इंटरनोड। पर रास्कस में क्या है, ये अगर यहाँ पे एक क्लैडोड है तो बीच में एक इंटरनोड छूट जाएगा, बीच में एक इंटरनोड छूट जाएगा और दूसरे इंटरनोड पे क्या आएगा,
दूसरा क्लैड उड़ाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लैड, एक इंटरनोड था, ठीक है, यहाँ पे एक इंटरनोड था, यहाँ पे कितने हैं, दो हैं, यहाँ पे कितने हैं, दो इंटरनोड्स है, विच इज़ सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है उस प्लांट्स के, एक ही टाइप के प्लांट्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि एस्परगस में वन इंटरनोड लॉन्ग है तो रेस्कस में टू इंटरनोड्स लॉन्ग है क्लैडोड्स। और लास्ट पॉइंट है दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल, क्योंकि ग्रीन है, ठीक है, पिगमेंट्स हैं जो चाहिए वो, इसलिए फोटोसिंथेसिस वो परफॉर्म कर सकते हैं और करते भी है, तो उसके लिए वो मॉडिफाइड हुए होते हैं। और ट्रांसपिरेशन की जो रेट है तो वो भी कम हुई होती है, ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है फेलोक्लैड्स और क्लैडोड्स। उसके बाद फिफ्थ वन बबल्स, बुलबिल्स देखेंगे हम यहाँ पे। तो बुलबिल्स ओवल स्ट्रक्चर का होता है, ओवल स्ट्रक्चर का होता है, इसमें जो फूड स्टोर होता है, सबसे पहले एक बात तो इसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है बुलबिल्स में। दे आर मॉडिफाइड वेजिटेटिव और फ्लोरल बर्ड्स विथ स्टोरेज फूड फॉर वेजिटेटिव पर्पस, ठीक है, दे आर मॉडिफाइड वेजिटेटिव और फ्लोरल बर्ड्स। फ्लोरल बर्ड्स जो होते हैं, फ्लोरल बर्ड्स, तो वो फ्लोरल बर्ड्स मॉडिफाइड हुए होते हैं किसमें, बुलबिल्स में, ठीक है। और इस बुलबिल में क्या रहेगा, फूड स्टोरेज स्टोर रहेगा इसमें, ठीक है, इसमें फूड स्टोर रहेगा। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस विदाउट सेक्सुअल एक्टिविटीज़, अगर रिप्रोडक्शन होगा तो वो उसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बुलबिल के थ्रू वो होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इन डायस्कोरिया बुलबिल्स आर कंडेंस एक्सिलरी बर्ड्स। तो डायस्कोरिया नाम का जो प्लांट है तो उसमें बुलबिल्स ये कंडेंस होते हैं एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। अगर ये स्टीम है अगर, और इस पे ये ब्रांच है, तो ब्रांच के बीच में से क्या निकलेगा, एक्सिलरी बर्ड निकलेगा। तो एक्सिलरी बर्ड कंडेंस हो जाएगा, यानी बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और दैट विल कन्वर्ट इनटू बुलबिल लाइक दिस, ठीक है। तो एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन हो रहा है बुलबिल में, इन व्हाट, डायस्कोरिया इस प्लांट में, ठीक है। तो उसके बाद एगवा और लिली में क्या हो रहा है, द फ्लावर बर्ड, ठीक है, ये एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड है, पर वो बर्ड सिर्फ बर्ड नहीं है, वो फ्लावर बर्ड है, एक्चुअली फ्लोरल बर्ड है, ठीक है, वहाँ पे फ्लावर आते, पर वो फ्लोरल बर्ड गेट कन्वर्टेड मॉडिफाइड इनटू बुलबिल्स, ठीक है, वो फ्लोरल बर्ड्स कन्वर्ट हो गए बुलबिल्स में, ठीक है। वो प्लांट्स कौन थे, एगवा और लिली। तो ये दो जो डिफरेंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है, दोनों बर्ड में से निकले हैं, ये भी बर्ड में से निकला है और ये भी बर्ड में से निकला है, पर ये एक्सिलरी बर्ड में से निकला है और ये जो है ये फ्लोरल बर्ड में से ओरिजिनेट हुआ है, एक्सिलरी बर्ड से डायस्कोरिया और फ्लोरल बर्ड से एगवा और लिली, ठीक है, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। द लास्ट पॉइंट इज दे डिटैक्ट टू बिकम न्यू प्लांट, सॉरी दे डिटैच टू बिकम न्यू प्लांट। तो अगर वो ये जो बुलबिल्स है ये डिटैच होके अगर नीचे गिर गए तो उसमें से क्या होगा, न्यू प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू बनेगा, कौन सा, न्यू प्लांट बनेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे पॉइंट्स है, ठीक है, बुलबिल्स। नेक्स्ट वन,
रिसेप्टैकल और थैलेमस, रिसेप्टैकल और थैलेमस। तो ये अगर उसकी, ये प्लांट की स्टीम है, ठीक है, और ये ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये ब्रांचेस कंसिडर करें कि ये ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रांचेस है, तो ये जो फूल है, तो डायरेक्ट वो स्टीम से जुड़ा है एक्चुअली। देखिए ये डायरेक्ट स्टीम से जुड़ा है, ये डायरेक्ट स्टीम से जुड़ा है, डायरेक्ट जुड़ा है ये। डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है, ब्रांच रहती है वहाँ पे। तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे पहले ब्रांच थी और वो ब्रांच मॉडिफाइड होके क्या हो गया, उसका थैलेमस और रिसेप्टैकल में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो इसका काम क्या है, क्यों यू नो मॉडिफाइड वो हुआ है, इट कंडेंस स्टीम एक्सेस, ठीक है, ये कंडेंस स्टीम एक्सिस है, एक्सिस, ठीक है, जो मिडल पार्ट होता है बिल्कुल स्टीम का मिडल पार्ट एक्सिस से, अगर उससे अपन ये निकाला लाइन गई तो वो स्टीम एक्सिस होंगी। तो स्टीम एक्सिस जो है तो वो कंडेंस्ड है बिल्कुल बिल्कुल कॉम्पैक्ट काइंड ऑफ स्टीम एक्सिस है ये। तो वो एक्सिस कंप्लीटली गेट कन्वर्टेड इनटू रिसेप्टैकल, कंप्लीटली गेट कन्वर्टेड इनटू एट द टॉप ऑफ दिस स्टीम यू विल फाइंड रिसेप्टैकल्स, एट द ब्रांचेस लेवल यू विल फाइंड रिसेप्टैकल, ओके, ऑल ओवर द एक्सिस ऑफ द स्टीम यू विल फाइंड थैलेमस रिसेप्टैकल। तो इस रिसेप्टैकल का फंक्शन ये होता है कि वो फ्लोरल ऑर्गन्स जो होते हैं, इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स, उसे वो अपने पास रखता है जिससे रिप्रोडक्शन हो पाएगा, जैसे कैलैक्स, कॉरेला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है जिसमें से रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। तो उसे वो प्लेस करते हैं, उसे अच्छे से प्लेस करते हैं और उसमें इस प्लांट में वो मॉडिफिकेशन होता है। तो उसका एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, गाइनेंड ड्रॉप्सिस, क्लियो मिडल्स लेसिस एंड थैलेमस एग्जिबिट्स क्लियर नोड्स एंड इंटर नोड्स। तो इसका एक एग्जांपल गाइनेंड ड्रॉप्सिस है, गाइनेंड ड्रॉप्सिस। तो क्लियर नोड एंड इंटर नोड हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर नोड है एक थैलेमस, यहाँ पे दूसरा थैलेमस, एक थैलेमस दूसरा थैलेमस, तो ये नोड है, ये दोनों नोड्स है, तो इसके बीच में की प्लेस जो है तो वो इंटर नोड हो गई, ठीक है। तो थैलेमस के बीच में क्या दिखेगा हमें, नोड एंड डी इंटर नोड, ठीक है। तो उसका एग्जांपल याद रखना गाइनेंड्रोप्सिस, ठीक है, एक एक भी रखा आपने ध्यान में तो भी बहुत है, गाइनेंड्रोप्सिस। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद ख़त्म। तो ये सिक्स टाइप्स ऑफ स्टीम मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन हमने यहाँ पे देखे, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देखा स्टीम टेंड्रिल्स, ठीक है, ये वो होल्डिंग के लिए, ठीक है, सपोर्ट के लिए वो मॉडिफाइड हो गया है स्टीम, ठीक है। ये क्या है, टर्मिनल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टीम, टर्मिनल है। तो दो टाइप की है, एक क्या है, एक एक्सिल है और एक टर्मिनल है। एक्सिलरी, एक्स्ट्रा एक्सिलरी, जो एक्सिलरी छोड़ के दूसरे पार्ट पे है, लीफ अपोजिट, दो लीफ के, जिस ब्रांच के दो लीव्स अपोजिट और टर्मिनल पॉइंट पे क्या है, टेंड्रिल्स है, ठीक है। तो ये फोर टाइप्स है, एक्चुअली फोर टाइप्स है टेंड्रिल्स के जो हमने यहाँ पे देखे। उसके जो एग्जांपल्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सिंपल एग्जांपल्स है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक एक भी एग्जांपल अगर याद रखा तो भी सफिशिएंट है। तो देखा थ्रॉन, या जो कांटे होते हैं, ये देखिए ओडी स्ट्रक्चर होता है, पॉइंटेड होता है, हार्ड होता है, ठीक है,
तो ये क्या है, स्टीम का मॉडिफिकेशन एक्चुअली। तो हमने दो देखा था, साइट्रस और कैरासा। साइट्रस में क्या देखा था, एक्सिलरी बर्ड्स मॉडिफाइड इनटू थ्रॉन्स, एंड कैरासा में साइट्रस में देखा था एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड इनटू थ्रॉन्स, और कैरासा में देखा था जो टर्मिनल बर्ड गेट मॉडिफाइड इनटू थ्रॉन्स। तो दीज आर द टू डिफरेंस। उसके बाद जो डिफेंसिव करके जो काम होता है थ्रॉन्स का, किस में होता है, बोंगेविला में, ठीक है, बोंगेविला में। तो ये तीन डिफरेंस प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद फेलोक्लैड्स, फेलोक्लैड्स इट्स एक्चुअली अ स्टीम, मॉडिफाइड स्टीम दैट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस हैविंग पर्टिकुलर स्पिकल्स ऑन दैट, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेलोक्लैड्स, और ये डेजर्ट में दिखता है मेनली, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल याद रखना, ओपनशी और यूफोबिया। और ये प्लांट्स एक्चुअली कौन है, कौन से प्लांट्स है ये, रिजोफाइटिक, जेरोफाइटिक प्लांट्स, सॉरी जेरोफाइटिक प्लांट्स है। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टाइप्स यहाँ पे देख लेना। उसके बाद क्लैडोड्स, क्लैडोड्स ये एक्चुअली जो है ये लिव लाइफ स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली स्टीम है, ठीक है। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एस्परेगस, ठीक है। तो उसमें वन नोड लॉन्ग क्लैडोड्स होते हैं एस्परगस में, और रेस्कस में टू नोड इंटर नोड लॉन्ग क्लैडोड्स होता है। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है ये स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट्स नॉट एक्चुअली लीफ, इट्स अ क्लैडोड। उसके बाद बुलबल्स, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पॉसिबल होता है। तो इसमें फूड भी स्टोर होता है, वेजिटेटिव प्रोपोशन प्रोपोगेशन होता है, और ठीक है। तो ये फ्लोरल बर्ड जो होता है, फ्लोरल बर्ड गेट कन्वर्टेड इनटू बुलबल्स, ठीक है। तो दो टाइप के हमें यहाँ पे दिखेंगे, दो टाइप के प्लांट्स है। एक डियोस्पोरा में क्या होगा कि एक्सिलरी बर्ड से, बर्ड से क्या निकलेगा, एक्सिलरी बर्ड कन्वर्टेड इनटू बुलबल्स। और एगावा और लिली में क्या होगा, फ्लोरल बर्ड विल कन्वर्टेड इनटू बुलबल्स, ठीक है। तो ये अगर जब नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, नीचे गिर जाएंगे और वो एक्सपोज हो जाएगा, तो उसमें से क्या निकलेंगे, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा और दूसरे न्यू प्लांट्स बनेंगे वहाँ पर। और लास्ट वन देखा था थैलामस रिसेप्टाकल। तो ये जो है पूरा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे, कंटेन स्टीम एक्सीस, ये जो है पूरा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी कंडेंस्ड है, छोटी है, तीन स्टीम एक्सीस है, और फुल्ली गेट कन्वर्टेड इनटू थैलामस, ठीक है। या थैलामस पे क्या है, पूरे ऑर्गन्स जो जो कि फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं, पूरे ऑर्गन जो कहाँ पे, यहाँ पे प्रेजेंट होते होते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, गानेंड्रोप्सिस, ठीक है, और कौन सा है, क्लियोमैनसिनेन, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए और बस इतना ही, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। तो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग सो केयरफुली, थैंक यू वेरी मच।